एक मार्च और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पीछे गंगाधर काम कर रहे हैं और ये मेरा काम इधर शुरू हो चुका है। तो जो भी चैनल पर नए हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और वीडियोस को पूरा ज़रूर देखें। तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इसमें से मिलेंगी, बहुत सारा प्रोसेस जानने को मिलेगा। अभी एक वर्कशॉप भी होना है इस मंथ, तो उसमें भी हम जो काम करने वाले हैं उसके बारे में भी अपडेट रहेगा। तो बने रहिए चैनल के साथ, प्यार देते रहें, फिर मिलते हैं। अब कुछ कुछ कर रहे हैं। ओ माय गॉड, वो क्या कलर स्प्रे है? सही सही। तो फ्रेंड्स, कल जो काम गैलरी से आए हैं वो अभी डिस्प्ले कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ रखे रहने से अच्छा उसको वॉल पे डिस्प्ले कर दूँ। और आज आरती जी भी आने वाली हैं, तो बस थोड़ी देर में आरती जी मिलेंगी। और अभी मैं हूँ यहाँ फूड कोर्ट में, आरती जी ही मिलने वाली हैं। तो फूड कोर्ट का बहुत एक सुंदर नज़ारा यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये शहर के बीच में बहुत खूबसूरत जगह है जो सभी के लिए ओपन है। आज हमारे साथ कौन है? आरती जी आई हुई हैं बड़ौदा और अभी उन्होंने स्टूडियो विज़िट किया। अभी हम हैं फूड कोर्ट में, फिर बाकी जगह अभी वो घूमेंगी और अभी वो जाने वाली हैं स्टूडियो। मैंने कौन सी जगह है? गैलरी वाइट। तो गैलरी वाइट मैंने अभी तक नहीं देखा, मैं रात आप बताना कैसी है जाऊँगा। कुछ बताना चाहेंगी कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस? मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, जगह काफ़ी आर्टिस्टिक है और बड़ौदा के मतलब सेंटर हार्ट में इस तरह की स्टूडियोज वेरी वेरी नाइस। मुझे भी मन कर रहा है कि मैं भी एक बार आके इधर थोड़ा काम करना चाहिए आपको अप्लाई। बिल्कुल, और पर कुछ पॉजिटिव, बहुत ही अमेजिंग माहौल है, अच्छा लग रहा है। और कोविड का काम जोर शोर से इतना अच्छा लग रहा है कि गोइंग टू डू वन शो फुल 100% सोलो शो वर्क हियर इन 4 मंथ, हां 4 मंथ की टाइम हो जाएगा, कर लूँगा मैं। तो बने रहिए आप लोग वीडियो में। और अभी स्टूडियो के वर्क भी हम जो रोज़ का रूटीन वर्क है वो हम करते रहेंगे। तो अब बैक टू पवेलियन, काम शुरू। जो कि कल मैंने उसमें जो सारे मार्किंग किए थे अब उसके ऊपर मैंने काम शुरू किया है। और बीच बीच में हम डिस्कशन भी करते जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, मैंने जो वो छोटे काम वहाँ रख रखे हैं, मेरे हमेशा काम में एक चीज़ में ध्यान रखता हूँ कि जो रिसेंट काम कर रहा हूँ उससे पहले वाले काम के जो फॉर्म्स हैं उसकी एक लिंक ना टूटे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लिंक टूटता है फिर वो दूसरा वाला एक अलग ही उसमें चला जाता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो इससे पहले वाला काम है उसके कुछ फॉर्म्स या उसके कुछ लाइंस इस तरह से हों ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे। और यहाँ आरती जी मेरे काम देख रही हैं, जो अभी कुछ काम मैंने यहाँ किए हैं, ये तो पहले के काम हैं पर ये अभी साउथ कोरिया में डिस्प्ले हुए थे। और ये अभी जो मैंने काम शुरू किया है वो लगभग है 4 फीट बाई 10 फीट का, तो उसमें समय तो लगने वाला है पर धीरे 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 वो करते जाऊंगा तो इंटरेस्टिंग लगेगा। और ज़रूरी है कि काम को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें समय देके उसको समय के साथ साथ ही उसको आगे बढ़ाना। और जब हम काम एक शुरू करते हैं तो उसके पीछे कुछ ऐसा ज़्यादा बड़ा वो नहीं होता है, बस फॉर्म्स को हम डेवलप करते जाते हैं। क्योंकि सब अर्बन जो स्पेस में हम लोग चीज़ें देखते हैं या अर्बन सिटी स्केप्स में और विलेज में जो हम एक मैपिंग देखते हैं, उन दोनों का कहीं ना कहीं ये मिश्रण है। और जो मेरे ख्याल से एक अनकॉन्शियस माइंड से वो सारी चीज़ें आती जाती हैं,
तो ये बहुत बड़ा एक रीज़न है कि क्योंकि मैंने दोनों समय को जिया है, दोनों पार्ट को जिया है। तो अगर अभी अगर कोई मेरे काम के विषय में ये कहे कि इसमें क्या चीज़ें हैं, तो मैं वही बोलता हूँ कि अनकॉन्शियस माइंड से जो चीज़ें आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं दोनों समय के वो फॉर्म्स हैं, चीज़ें हैं जो हम विजुअल देखते हैं, उसकी एक रिप्लिका बन के निकलती है, ये सारी चीज़ें हैं। तो बस धीरे धीरे ये काम बिल्डअप होता जाता है और पीछे गंगाधर भी अपने काम में लगे हैं और आरती जी बैठ के यहाँ डिस्कस कर रही हैं कि ये चीज़ें इस तरह से कैसे, मटेरियल को कैसे और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो इस तरह के डिस्कशन भी बहुत ज़रूरी हैं और मुझे लगता है इस तरह के डिस्कशन होने चाहिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और थोड़ी देर में वो जाने वाली हैं घर। लड़की को बहुत गर्मी लग रही है और वो एसी की हवा खाने के लिए वहाँ है। और हमने ये देखिए, एक चमत्कार यहाँ भी हुआ, ये गिर गया है और ये लड़का बार बार चिपका रहा है। ऐसी सब मस्तियाँ यहाँ चलती रहती हैं और यहाँ विप्लव ने बहुत एक अलग तरह का एक कुछ काम किया है, यूवी इस्तेमाल करके, जिससे वो चीज़ें है ना कंप्यूटर पे अलग तरीके से दिखती हैं। वॉल को कुछ रिकग्नाइजेशन करके जो चीज़ें रखती हैं वो अलग तरीके से दिखती हैं। तो दोनों का एक समावेश है दोनों चीज़ों में। अरे रिकॉर्ड हो गया भाई, अब इसको कुछ भी हुआ तो तेरे ऊपर सारा ब्लेम जाएगा। बस उतना ही भेजो, पारूंगी ना खींच के, उसका म्यूजिक बजा जा रही है। और यहाँ गर्मी का प्रकोप कुछ ज्यादा ही है, तो इसलिए गले में घूम रहे हैं, क्योंकि सामने वाले जो गेट आपको दिख रहा है वहाँ एसी चालू है, तो एसी की ठंडी हवा जो है ये गली में है, तो इसलिए सब गली में मंडरा रहे हैं। तो बस ऐसी सब मस्तियाँ यहाँ चलती रहती हैं, फिर काम के टाइम पे सब अपने काम सीरियस होकर करते रहते हैं। भाई भाई, और अभी मैत्री आई हुई है, ये कुछ इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो मज़ेदार है क्योंकि अभी मैंने विद्यानगर में यही एक्सरसाइज करवाया था, तो बहुत ही सुंदर है ये। और बस आज का दिन हम इन्हीं चीज़ों के साथ और इन्हीं कुछ मस्ती मजाक और काम के साथ अब घर की ओर प्रस्थान करते हैं। आरती जी हमारे साथ हैं आज घर पे। बहुत मज़ा आया, चाय समोसा क्या। आज का जो ये एपिसोड है ये आरती जी के नाम, बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी, आप आई घर, और सभी दोस्तों को नमस्कार का।